ओम गंग गणपते नमः, जय माता महाकाली। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मातृ छाया परिवार में। दर्शकों, गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी से शुरू होने वाली माघ मास की, ठीक है। और जो लोग महाकाली प्रेमी हैं, भगवती प्रेमी हैं, शक्ति प्रेमी हैं, ठीक है, उनके लिए मैं एक बहुत प्यारा सा उपाय लेके आया हूँ। आप एक संकल्प ले लीजिए, आप अपना घर का, आपका जो घर है जहाँ आप पूजा करते हैं, वहाँ एक संकल्प लीजिए, हाथ में जल लेके, सात साबुत चावल रख के, एक गुलाब का फूल रख के या कोई भी फूल मिल जाए वो रख के, और 1 रुपये का सिक्का रख के कि जय श्री गणेश, मेरा नाम ये, आज इस तारीख में, आज इस समय में, ठीक है, हे माता भगवती, जगत जननी माता महाकाली, इनको महाकाल बाबा और जिनको आप मानते हैं उनको साक्षी मानकर, जो भी आपका आसपास वाला मंदिर है जहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन देवी का मंदिर होना चाहिए, प्रतिष्ठित सिद्ध मंदिर होना चाहिए, प्रतिष्ठित तो होना ही चाहिए, अगर माता महाकाली का मंदिर है तो बहुत ही सर्वोत्तम है कि माँ 9 दिन लगातार शाम को 7 बजे के बाद 10 बजे से पहले मैं आपके मंदिर आऊँगा, ठीक है। अगर आप सक्षम हैं नंगे पैर जाने के, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, और अगर नंगे पैर जाने के आप सक्षम नहीं हैं तो आप पैदल जा सकते हैं, और अगर आप पैदल जाने की सक्षम नहीं है तो अपनी बाइक, जो भी आपका बाइक है, 4-व्हीलर है, बाइसाइकिल है या कोई भी सवारी है, उससे आप जा सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि अगर आप नंगे पैर चले जाएँ तो बहुत ही बढ़िया, भले माँ भगवती आपके दरबार आऊँगा, दरबार में आने के बाद में चौमुखी सरसों के तेल का दीपक, यानी 4 बत्ती डाल के बड़ा दीपक मैं लगाऊंगा, और प्रतिदिन जो है 1 नींबू की भेंट दूंगा, और कपूर पे 5 जोड़ा लौंग जला के आपको दूंगा मंदिर के अंदर ही, यानी कि 1 प्याला बड़ा हो गया जिसमें सरसों का तेल 4 पत्ती, दूसरा 1 नींबू हो गया, ठीक है, तीसरा आपका क्या हो गया कि 1 छोटा सा दिया ले लीजिए, उसमें कपूर की टिक्की, मतलब पहले उसमें डालिए 1 बतासा, उल्टा करके उस पर 1 कपूर रखिएगा, कपूर के ऊपर 2 लौंग का जोड़ा रखिएगा, उसको माँ भगवती के मंत्र के संग में आप जला दीजिएगा। मंत्र ओम क्रिंग कालकाय नमः, या माता महाकाली का जो भी आपके पास मंत्र हो, जैसे ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुता नमस्तुते स्वाहा, स्वाहा जैसे बोलेंगे वैसे इसमें आप लगा देंगे, ठीक है, ये काम करिएगा। और जो संकल्प में कहिए कि ये 3 काम मैं करूँगा, माँ भगवती मेरे संग ये जो दिक्कत है परेशानी ये समाप्त हो, लगातार 9 दिन करिएगा, ये प्रयोग कर सकते हैं। 9 दिन माँ की अखंड ज्योत घर में जला सकते हैं, गौघृत की या तिली के तेल की। 9 दिन आप व्रत भी रख सकते हैं, उपवास भी रख सकते हैं, कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, जैसे आप सक्षम हो आप कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय जो मैंने आपको बताया मंदिर जाके करने का, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग समय नहीं दे पाते हैं, और 7 बजे के बाद 10 बजे के बीच में मंदिर आपको जाना ये करना है, और 9 दिन हो सके आरती में आपको सम्मिलित होना है। इतने मात्र उपाय करने से जो भी आपका मनोरथ है, जो भी आपका छूटा हुआ रुका हुआ काम है, वो आपका संपन्न होगा, और माता रानी की कृपा से आपके सब काम बन जाएंगे। जय माता दी, जय माता महाकाली।